नमस्कार, भारत की आवाज द इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री शिव प्रकाश जी ने नेशनलिस्ट सोशल मीडिया कॉन्क्लेव में पूरे भारत से आए सोशल मीडिया एक्सपर्ट को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र रहा है जो सीमाओं के आधार पर निर्धारित नहीं होता। भारत को राष्ट्र समझने के लिए भारत के राष्ट्रवाद को समझना होगा। आओ उनके पूरे उद्बोधन को सुने और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं हूं ज़्यादा, इसलिए सोशल मीडिया, उसका इम्पैक्ट, इस विषय में आप मुझसे अधिक जानते हैं। लेकिन इतने सब समूह के रूप में देश भर के लोग एकत्रित हैं, सबसे मिलना, सबसे बातचीत करना और सबके बीच में उपस्थित रहना, इस कारण से मुझे भी लगा कि मुझे यहाँ पर रहना चाहिए। उस लोभ को मैं संवरण नहीं कर पाया। पहले ऐसा सोचा था कि आज के इस विषय को BPT के माध्यम से आपके सामने रखा जाए, लेकिन प्रतिदिन प्रवास होने के कारण से उसकी तैयारी का अवसर मुझे मिला नहीं है। कोई दिन मेरा खाली नहीं है और इसलिए रात्रि को मैं आंध्र प्रदेश से हैदराबाद होते हुए आया। तो मैं PPT नहीं, केवल वैसे ही आपके बीच में इस विषय को रख रहा हूँ। आज 11 बजे से मन की बात है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उसमें जाने के लिए मुझे किसी बूथ पर निश्चित किया है और इसलिए 10-55 से अधिक समय तक मैं आपके बीच में रुक भी नहीं सकता। ये आपके लिए प्रश्नता की भी बात है कि ज़्यादा भाषण नहीं सुनना पड़ेगा और कुछ विषय छूटेगा तो हितानंद जी अपने विषय में उसको पूर्ण करेंगे। मुझे एक विषय दिया है, एक भारत की अवधारणा, एक राष्ट्र की अवधारणा और सोशल मीडिया उसमें अपनी भूमिका कैसे रख सकता है, उसको कैसे और अधिक बढ़ा सकता है। मैं इसके दो पार्ट विषय के आपके बीच में कर रहा हूँ। एक है कि एक राष्ट्र की अवधारणा क्या है, क्योंकि यदि वो क्लियर होगा तो फिर सोशल मीडिया ने क्या रोल करना है, ये स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया के आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, इसलिए उसके डाटा वगैरह रखने की आवश्यकता मैं समझता नहीं हूँ और कल से अनेक वक्ताओं ने रखे भी होंगे। राष्ट्र के बारे में जो हम विचार करते हैं तो पश्चिम की जो राष्ट्र की कल्पना है और भारत की जो राष्ट्र की कल्पना है, इन दोनों में अंतर है। बहुत लच्छेदार बातें ना करने का कारण, क्योंकि समय नहीं है, कुछ उदाहरणों से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पश्चिम की जो राष्ट्र की कल्पना है, ये एक पॉलिटिकल यूनिट है। राजा है, वो लोकतांत्रिक पद्धति से चुना गया हो अथवा प्राचीन समय में वो तानाशाही पद्धति से या कुलीन पद्धति से आया हो, उसका जो क्षेत्र है, उसकी जो शासन व्यवस्था है, उस एरिया को उन्होंने राष्ट्र के रूप में निर्धारित किया। यदि वो भाग टूटता चला गया, खंडित हो गया, तो उन्होंने उसको दो राष्ट्र मान लिया और इसलिए पॉलिटिकल यूनिट, पॉलिटिकल इकाई, ये पश्चिम की एक राष्ट्र के बारे में अवधारणा है। एक उदाहरण केवल इस समय मैं दूंगा, समय की मर्यादा होने के कारण से। कैम्ब्रिज एनसाइक्लोपीडिया, जिसको बोलते हैं, उन्होंने राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए कहा, वो कहते हैं राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए इसे एक राजनीतिक अवधारणा बताती है, इसमें राष्ट्र एक मूलभूत राजनीतिक इकाई है। छोटे छोटे दो तीन उदाहरण देता हूं।
जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, उनके अपने अलग होने के आंदोलन भी हैं, लेकिन एक शासन सत्ता इकाई होने के कारण से एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। जर्मनी एक राष्ट्र था, आपस में विभाजन हुआ, साम्राज्यवादी ताकतों ने उसको तोड़ दिया, तो पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी एक राष्ट्र के दो राष्ट्र हो गए। उत्तरी वियतनाम, दक्षिण वियतनाम, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, इतिहास के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। एक थे, आपस में विवाद हुए किन्हीं भी कारणों से, विभाजित हो गए तो दो राष्ट्र बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनको मान्यता भी दे दी। रूस का हम देखते हैं तो एक यूएसएसआर, लेकिन वो विभाजित हो गया। आज यूक्रेन और रूस का कितना बड़ा झगड़ा चल रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो गया। पहले एक राष्ट्र था, आज वो 16-17 हो गए। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, ये उनकी कल्पना है। भारत के अंदर क्या है? भारत के इतिहास को आप देखोगे तो अनेक राज्य रहे हैं। प्राचीन समय का उठाकर देखेंगे तो हम यहां पर बैठे हैं, विक्रमादित्य का सिंहासन था, कलिंग था, चोल थे, चालुक्य थे। उत्तर के अंदर देखेंगे तो हर्षवर्धन के नेतृत्व में कन्नौज का राज्य था। ऐसे अनेक थे। अनेक राज्य इकाई होने के बाद भी, राजा सेपरेट होने के बाद भी, भारत एक राष्ट्र था। इसका बॉर्डर क्या है? तो दो संस्कृत के सुभाषितों के माध्यम से इसको उल्लेख करते हैं हम लोग, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्री चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नामो भारती यत्र संतति। जो समुद्र के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में है, वो भारत है, वहां की संतति ये भारतीय है। इसी बात को बृहस्पति पुराण में दूसरे प्रकार से कहा गया, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से आरंभ होकर हिंदू महासागर तक ये जो विशाल भूभाग है, ये हिंदुस्तान है। नोट, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ये एक भौगोलिक एरिया को वर्णन करता है। इसलिए राज्य अलग रहे, राजा अलग रहे, भाषाएं अलग रही, खान पान अलग रहा, रीति रिवाज अलग रहे, रंग अलग रहे, वेश अलग रहे, लेकिन फिर भी ये एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र था और एक राष्ट्र रहेगा। तो इसका कारण क्या है? तो इसको जोड़ने वाला जो तत्व है वो पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, वो कल्चरल यूनिट है। संस्कृति इसको जोड़ती है, इसलिए हम कहते हैं यहां कल्चरल नेशनलिज्म। ये सांस्कृतिक राष्ट्र है, कल्चरल नेशन। इसको जोड़ने वाला तत्व एक संस्कृति है। अब इसका उदाहरण बताता हूं छोटे छोटे। भेद का मैंने उल्लेख किया तो हमारे संविधान ने एक लगभग 22 लैंग्वेज जो है स्वीकृत की हमारे देश के अंदर, जो संवैधानिक तौर पर अधिकृत है, लगभग 121 भाषाएं छोटे बड़े क्षेत्र के अंदर बोली जाती हैं। और जिसको बोली के रूप में कहेंगे, कहीं ना कहीं प्रभाव है, 1652 बोलियां हैं।
इसलिए भाषाएं अलग है, बोलियां अलग है। हमारे कहा गया, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पर बानी। भाषाएं अलग है। कलर का आप देखेंगे तो दक्षिण में जाते हैं तो ब्लैक दिखाई देता है, और आप हिमाचल उत्तराखंड में जाएंगे तो ब्लैक ढूंढना कठिन पड़ जाता है। राजस्थान के व्यक्ति की ऊंचाई देखेंगे और अरुणाचल मेघालय उस क्षेत्र के देखेंगे तो छोटे कद के लोग हैं। चेहरे की बनावट में देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा किसी का चपटा है, किसी का ठीक सा है। खान पान में देखेंगे तो हमारे एक अधिकारी बड़े मजाक में कहते थे कि वो केरल गए, आजकल मुझे भी दक्षिण में बहुत जाना है, तो क्या है कि सबसे अंत में कर्ड राइस ये आता है, उससे पहले क्या है सांभर के साथ, रसम के साथ, अलग अलग प्रकार से। तो ऐसा कहते कि अधिकारी मजाक में कहते थे कि एक कार्यकर्ता, उसकी माता जी भोजन करा रही थी, 7 बार चावल परोसने की परंपरा थी, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार माता जी ने पूछा कि बेटा तो आप लोग कितने भाई हो, बोले चावल खाने के बाद बच गए तो 4 है, नहीं तो 3 ही है। लेकिन ये कपिल जी बैठे हैं यहां पर, आप दिल्ली में आएंगे तो कभी मेहमान आता है तो चावल मिलेंगे, नहीं तो रोटी रोटी है। अब खान पान की विविधता है। दक्षिण के लोग लुंगी पहनते हैं तो उत्तर के लोग नहीं पहनते, लेकिन ये विविधता होते हुए भी हम एक हैं। एक क्यों है? क्योंकि ये विविधता, ये हमारी विशिष्टता है, पहचान है, ये सेपरेटिज्म नहीं है, अलगाव नहीं है। तो इसको जोड़ने वाला तत्व क्या है? बहुत छोटे में उदाहरण दूंगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा इस राष्ट्र को जोड़ने वाला तत्व, उनकी दृष्टि में बोलते हैं, स्पिरिचुअलिज्म, पेट्रोटिज्म एंड रिलीजन सर्वड एज द फाउंडेशन फॉर विवेकानंद नेशनलिज्म। आध्यात्मिकता, देशभक्ति और धर्म, ये इस राष्ट्र को जोड़ता है, इसका फाउंडेशन है। इसको बहुत अच्छा आप समझेंगे तो आपको आनंद आएगा। उदाहरण सुन के मेरा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समझाया है, उनका एक आर्टिकल आप पढ़ना सब, उसका नाम है राम कृष्ण शिव। वो कहते हैं कि इस देश के अंदर किसकी पूजा है, तो हम यहां महाकाल में बैठे हैं, ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव की नगरी है भोले बाबा की, और पूरे देश को जोड़ने वाला तत्व शिव है। वो अच्छा उदाहरण देते हैं कि शिव का निवास कहां पर है, हिमालय में है, यानी मानसरोवर में, कैलाश में है। लेकिन कैलाश में जब शिव बैठते हैं तो उन्होंने अपना मुंह चाइना की ओर नहीं किया, कहीं भी कर सकते थे, वो तो इच्छा है, कभी इधर करते कभी उधर करते, लेकिन दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ गए। और उनको प्राप्त करने के लिए मां सती आराधना करती हैं, कहां करती हैं, कन्याकुमारी के अंदर करती हैं। कहां करती हैं? आप में से गए हो तो वहां श्रीपाद शिला है, उस पर मां का पद का निशान है, एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने वहां पूजा की है। किसको प्राप्त करने के लिए? शिव को। अब समुद्र की लहरें हैं लेकिन माने समुद्र की ओर नहीं देखा, हिमालय की ओर देखा। शिव हिमालय में बैठकर समुद्र की ओर देखते हैं, और शिव को प्राप्त करने के लिए मां सती, मां पार्वती वो कन्याकुमारी के रूप में पूजा करती हैं, तो देखती हिमालय की ओर। यह हिमालय और ये समुद्र, ये शिव और पार्वती, यह है सांस्कृतिक एकता। क्योंकि इस राष्ट्र के अंदर रहने वाले असंख्य लोग वो शिव के अनुयायी हैं, तो शिव उनको जोड़ने वाला तत्व है। राजा बदले, भाषाएं बदली, खान पान बदला, रीति रिवाज बदले, पोशाक बदली, लेकिन शिव और पार्वती सदैव सबके हृदय में जीवित हैं। इसका नाम है सांस्कृतिक राष्ट्र। दूसरा क्या है? हमको तोड़ने के बहुत प्रयास हुए,
लेकिन हम लोगों ने एक नारा लगाया था कि राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेदभाव का बंधन तोड़ा। तो शिव जोड़ते हैं वैसे राम भी जोड़ते हैं, कैसा जोड़ते हैं? तो सर्वत्र राम की उपासना है। उदाहरण बताता हूं, तमिलनाडु में जाइए तो भगवान राम के नाम पर नाम मिलता है, कहते रामा स्वामी। आप केरल में जाइए तो राम के नाम पर नाम मिलता है रामैया। आप कर्नाटक में जाइए नाम मिलता है रामन्ना। आप आंध्र में आइए नाम मिलता है रामा राव। आप महाराष्ट्र में जाइए रामचंद्र। गुजरात में जाइए राम भाव, राम भाई। राजस्थान में जाइए राम सिंह। दिल्ली सराउंडिंग एरिया में आइए रामलाल, राम सिंह सर्वत्र उपस्थित हैं। उत्तराखंड में जाइए राम दत्त हैं, और बंगाल में जाइए रामापद हैं। और इसलिए राम सर्वत्र है, तो ये राम सबको जोड़ता है, यह है हमारी सांस्कृतिक एकता। और जैसे राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, वैसे ही कृष्ण ने द्वारिका से लेकर मणिपुर को जोड़ दिया। कहाँ की है रुकमणी? तो मणिपुर के लोग कहते हैं हमारे यहाँ की है। अभी मैं अरुणाचल गया था प्रवास पर, तो वहाँ भी एक गांव है, उस गांव में भी वो रुकम के नाम पर है। वहाँ के लोग भी कहते हैं कि रुकमणी हमारे यहाँ की है। बोलो 16,000 रानियों की मुक्ति का प्रसंग है, वो आसाम का है। और इसलिए पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, इसको जोड़ने वाला तत्व कौन है? तो हमारे आराध्य देव, सांस्कृतिक महापुरुष, ये इसको जोड़ते हैं। इसलिए भाषाएं बदलती हैं, राजा बदलते हैं, खान पान बदलता है, लेकिन ये जो के त्यों रहते हैं, क्योंकि हमारा आधार पॉलिटिकल यूनिट ना होकर सांस्कृतिक राष्ट्र की कल्पना है। यह है हमारी अवधारणा, ये राष्ट्र क्यों एक है। इसलिए शंकराचार्य केरल से चलकर और केदारनाथ पहुंच गए, क्यों? इसलिए कावड़, मेले, यात्राएं क्यों? राजा कोई हुआ, लेकिन ये जो के तो विद्वान रहे, ये जो वैशिष्ट है, ये पश्चिम और हमारे राष्ट्र की कल्पना का अंतर है। कभी कभी आपके मन के अंदर प्रश्न आएगा कि ये होने के बाद भी कभी कभी हम अखंड बोलते हैं, अखंड भारत। ये मैं नहीं बोल रहा, इसका उदाहरण बताता हूँ आपको मैं, आप समझिए इस बात को। वो क्या है? मैंने शिव का उल्लेख किया, हमने सुना है कि पार्वती यानी माँ सती, शिव का अपमान हुआ, इसलिए कनखल में दक्ष मंदिर के अंदर, दक्ष प्रजापति के यहाँ वो यज्ञ में कूद गई। घटना सबको मालूम है। यज्ञ में कूदी तो भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और उनके अध जले शरीर को लेकर वो पूरे देश के अंदर भ्रमण किया, और जहाँ जहाँ उनका अंग गिरा उसको हम शक्ति पीठ बोलते हैं। अभी अंग कहाँ गिरा? भगवान शिव अमेरिका गए ही नहीं, चाइना गए ही नहीं, वो तो सर्वत्र थे ना, अंतर्यामी है, सब जगह जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी इस राष्ट्र की सीमाओं को निर्धारित किया। उदाहरण बताता हूँ, ये जो शक्तिपीठ है पाकिस्तान में एक है, हिंगलाज का नाम सुना होगा सब लोगों ने। जब हम छोटे थे गांव में ना, तो होली गाते थे ना, तो उसमें हिंगलाज की भी थी, हिंगलाज से चली रे भवानी ऐसा बोलते थे। आजकल ये सब बातें बंद हो गई क्योंकि पुराना समय हो गया। तो पाकिस्तान में एक है, नेपाल में दो हैं, तिब्बत में एक है, श्रीलंका में भी एक है, और बांग्लादेश में ढाकेश्वरी सहित चार हैं। आखिर इन्हीं स्थानों पर क्यों है? बाकी भारत में है, बामन शक्तिपीठ की जो बातें हैं, बाकी सब भारत में है। तो उन्होंने भी, यानी भगवान शिव ने और पार्वती ने, कब हुई होगी घटना पता नहीं, लाखों वर्ष कहो जो भी कहो, शोध का विषय है, लेकिन उन्होंने भी सांस्कृतिक दृष्टि से मां के अंगों को उन्हीं स्थानों पर गिराने का काम किया, वो स्वाभाविक गिरे, जिन्होंने इस राष्ट्र की सीमाओं को और इसके भूगोल को निर्धारित किया। यह है इसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद।
आपको क्लियर होता क्या बात? अब यह भाव जगाने का काम पहले कौन करता था? तो पहले यह काम इसी बात को जगाने के लिए संतों के प्रवास होते थे, कथाएं सत्संग होते थे, रामलीलाएं मंचन नाटक नौटंकी होते थे, मेले लोक कथाएं गीत, इसमें सब बातें प्रकट होती थी। समय बदला, परिस्थितियां बदली, टेक्नोलॉजी का युग आया। अब ये बात किन्होंने करना? तो आज के समय यही बात सोशल मीडिया यानी टेक्नोलॉजी ने करना है। धीरे धीरे क्योंकि समय बदल रहा है, समय लोगों का कम हो रहा है, उतना नहीं है, और टेक्नोलॉजी बदलने के कारण से प्रकार बदल रहा है, इसलिए इसी भाव को विकसित करने का काम किया है या करना है वो किसको है? तो सोशल मीडिया को है। उसमें कितने फॉलोअर्स हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कल तक के बता सकते हो, आज कितने बढ़ गए होंगे पता नहीं है, वो स्पीड है उसकी। दूसरा क्या, उसकी रीच बहुत व्यापक है। टीवी, प्रिंट न्यूज़पेपर, उनकी मर्यादा है। लेकिन अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, बोलते बोलते आप में से कुछ लोगों ने फोटो लिया होगा और हो सकता है बहुत लोगों पहुंच भी गया हो। तो टीवी न्यूज 3-4 घंटे बाद आता है, लाइव भी आता है तो कुछ समय लगता है, प्रिंट में 24 घंटे के बाद छपता है, लेकिन इसमें मिनटों में काम चलता है। दूसरा निर्भर नहीं है। मान लो मैं हूं, मैं एक संगठन का नेतृत्व करता हूं, आपको लगता है कि कोई विषय उठना चाहिए लेकिन मैं नहीं उठा रहा हूं, तो इसके कारण से आपको लगता है क्यों नहीं उठा रहे, उठाना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया में यह निर्भरता भी नहीं है। किसी लीडर, किसी नेता, ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी के द्वारा ही उठे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। एक सिंपल व्यक्ति भी किसी इशू को उठा सकता है और इशू बड़ा हो सकता है, इसलिए उसका यह महत्व है। आंकड़े में बोल सकते हैं, दुनिया में 2023 में लोग कह रहे हैं कि 4.89 बिलियन लोग सोशल मीडिया पर आ जाएंगे। मोदी जी ने तो कमाल किया है, 8 करोड़ से ज़्यादा लोग उनके फॉलोअर्स हैं। और इसलिए इस इम्पैक्ट को हम अनुभव कर सकते हैं और दुनिया की कुछ बातों को ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ शहजाद पूनावाला जी आए हैं, वो भी इस विषय के बारे में जानकार हैं। तो हमने देखा 2011 के अंदर अरब देशों के अंदर क्रांति, सोशल मीडिया उसका माध्यम बन गया। हमने देखा अन्ना हजारे दिल्ली के अंदर आए, ये कपिल जी बहुत दौड़ लगाते थे उस समय पर, लेकिन मैं भी उस समय पर, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का काम देखता था संघ का, तो मुझे भी ध्यान में है सराउंडिंग हमारे कितने ही लोग जो है अन्ना की इस क्रांति को सफल करने के लिए ईमानदारी के भाव से वो सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव थे, वो सोशल मीडिया का परिणाम है। अभी हमने ईरान में देखा, सत्ता तो कुचल रही थी लेकिन हिजाब का इशू कितना बड़ा बन गया। अभी हमने अफगानिस्तान में देखा कि वहां के महिलाओं के पिटते हैं वीडियो, अफगानिस्तान इसको रोक नहीं पाया। और नेगेटिव दृष्टि से देखेंगे तो दिल्ली के अंदर होने वाला किसान आंदोलन, ये ऐसे विषय हैं जिनको सोशल मीडिया ने बहुत व्यापक बना दिया। ऐसे बहुत उदाहरण और भी दिए जाते हैं, कर्नाटक में भी आंदोलन हुआ, अन्य सारे विषय हुए, इसलिए उसका समाज में इम्पैक्ट है। अब शस्त्र के बारे में दो बातें हैं। एक संस्कृत का सुभाषित बोलता हूं, सुभाषित ऐसा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान च पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दो प्रकार के व्यक्तियों की तुलना की है, कुसंस्कारी व्यक्ति है और सुसंस्कारी व्यक्ति है। तो कुसंस्कारी व्यक्ति की विशेषता क्या है कि उसके हाथ में जो शस्त्र आया, आतंकी के हाथ में शस्त्र है तो लोगों को मारने के हिंसा के काम में आएगा, और हनुमान जी के हाथ में गदा है तो सीता माता और महिलाओं के सम्मान की रक्षा में काम आएगी। शस्त्र दोनों पर है, लेकिन शस्त्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति कैसा है
इसके ऊपर निर्भर करता है। तो यह शस्त्र है, यह तोड़ने के काम भी आ सकता है, ये जोड़ने के काम भी आ सकता है। इसलिए सुभाषितकार ने कहा कि जो कुसंस्कारी व्यक्ति है उसकी विद्या विवाद के लिए, उसका धन अहंकार के लिए, और उसकी शक्ति दूसरों को सताने के लिए। सुसंस्कारी व्यक्ति है तो विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की सुरक्षा के लिए। आज गोधरा के डाटा को तोड़ मरोड़ कर देश में विवाद पैदा करने के लिए भी बीबीसी कर रहा है, हम देख रहे हैं ना। कोई घटना होती है, उस घटना को ट्विस्ट करके स्वाभाविक रूप से यदि आपस में कोई झगड़ा हो गया, लेकिन उसमें कौन किस जाति का और कौन किस जाति का है, तो ये कास्ट क्लैश ये भी पैदा करने का काम होता है। और यदि हम हमारे जैसे संस्कारी एक दृष्टि वाले राष्ट्रभक्त लोगों के हाथ में शस्त्र है तो रोग किस काम आता है, तो जोड़ने के काम आता है। उदाहरण देना तो आपको ध्यान में आएगा, प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया सेल्फी विद डॉटर, सोशल मीडिया की क्रांति है। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि एक देश की बहुत बड़ी सामाजिक समस्या को उन्होंने सॉर्ट आउट या सॉल्यूशन करने का काम सोशल मीडिया को बनाया। घर घर के अंदर महिलाओं को सम्मान, कन्या के उत्पन्न होने पर प्रसन्नता व्यक्त करना, यह समाज में परिवर्तन हो गया। इसका सोशल मीडिया का यह भी उपयोग है। हमने देखा किसी महाकाल के अंदर महाकाल लोक बना, आज ये मोहन जी आपको बताएंगे तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आर्थिक दृष्टि से इसके कारण से इतनी समृद्धि होगी, होटल कम पड़ गए, लोगों को अपने घर पेइंग गेस्ट रूम के रूप में बनाने पड़े। ये किससे हो गया, ये महाकाल लोक भी सोशल मीडिया से चमक गया। मोदी जी ने इंदौर में बोलते हुए कहा कि इंदौर का जो सर्राफा बाजार है, यहाँ के लोग खाने में भी शौकीन है, तो आज उस सर्राफा बाजार में इस सोशल मीडिया ने उस विषय को उठा लिया तो आर्थिक समृद्धि का आधार बन गया। केदारनाथ में उन्होंने जाके साधना की, वो सोशल मीडिया पर चला गया, और बद्रीनाथ केदारनाथ मैं जानता हूं वहां के 1,00,000 एक टर्म यानी एक साल में अधिकतम 1,00,000-2,00,000 यात्री आते थे। तो वहां के पंडे पुजारी कहते थे शिवप्रकाश जी भाई साहब इस बार यात्रा बहुत अच्छी रही, लेकिन अब कितने आ रहे हैं, इस बार 12-13,00,000 का आंकड़ा है। यह सोशल मीडिया का कमाल है। और इसलिए ये जो राष्ट्र की एकता और एकात्मता है जिसका उल्लेख मैंने किया, जिसकी वैशिष्ट है, सोशल मीडिया इस कंटेंट को लेकर आगे बढ़ा है और आगे और बढ़ता है, तो इसके कारण से इस देश की एकात्मता पुष्ट होती है। और इसलिए उसके अनेक प्रयोग हो चुके हैं, अनेक प्रयोग हो सकते हैं। जैसा मोदी जी ने कहा हर घर तिरंगा, पिछले दिनों आपको ध्यान में है, और इसलिए अपने डीपी तिरंगा की लगाएंगे, सबने लगाई, सोशल मीडिया से चला कैंपेन, सोशल मीडिया के माध्यम से ही तिरंगे की बिक्री भी शुरू हो गई ऐप के माध्यम से। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हम इंदौर में, दिल्ली में, सराउंडिंग दिल्ली के आसपास बैठकर इसको जो अनुभव करते हैं, लेकिन इसको यदि आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर अनुभव करें तो इतिहास की घटनाएं हैं, 1947 के बाद अनेक स्थानों पर पहली बार तिरंगा लहरा है। तो सोशल मीडिया ने जिन क्षेत्रों के अंदर राष्ट्रभक्ति का ज्वार प्रकट होना बाकी था, सोशल मीडिया ने उसको खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का कैंपेन ऐसा था, वो देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच गया, कौन मोदी, कहां झंडा मिलेगा, लोगों को पता नहीं है, लेकिन अपने यहां तिरंगा लहरा रहे हैं। अभी हमने 26 जनवरी का देखा एक छोटा सा वीडियो, योगी आदित्यनाथ जी ने उसको डाला है, कोई गाँव का एक महिला गंदे कपड़े, कम कपड़े पहने छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, और एक गरीब महिला तिरंगा लहरा रही है। सोशल मीडिया जब उसको दिखाता है तो इस राष्ट्र का राष्ट्रभाव और राष्ट्रभक्ति कैसा पुष्ट हो रही है। अब ये केवल कर्तव्य पथ तक सीमित नहीं बचा, ये देश के गांव गांव और घर घर का विषय हो गया। ये सोशल मीडिया का कमाल है।
कोविड के दिनों में हमने देखा कि गरीबों का सहारा बन गया। लोगों ने एक ट्वीट किया या लोगों ने एक पोस्ट डाली, हमारे यहाँ दवाई नहीं है, भोजन नहीं है, तो अपने जैसे असंख्य कार्यकर्ता तुरंत रोटी का पैकेट लेकर पहुँच गए। ये सोशल मीडिया का कमाल है। और इसलिए इस शस्त्र को उपयोग करते समय समाज के ताने बाने को जोड़ते हुए, जैसा आज हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि कोई मातंगिनी हाजरा भी है, क्योंकि लोग पोस्ट डालते हैं आज उनकी पुण्यतिथि है, आज उनकी जयंती है। तो अनेक महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं थे, हम जानते नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया ने बता दिया। तो कौन है मातंगिनी हाजरा? कि अंग्रेजों के सामने लड़ती हुई एक बंगाल के मिदनापुर जिले की एक महिला ने अपने जीवन को नौछावर किया है, वो मातंगिनी हाजरा है। ये बताने वाला कौन है? सोशल मीडिया। क्योंकि इतिहास तो ऐसे लोगों के हाथ में चला गया था जो सत्य को बताना नहीं चाहते थे। यदि उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते रहते तो शायद ये घटनाएं हमको मालूम नहीं होती। और इसलिए सोशल मीडिया ने भाषाओं की सीमाओं को तोड़कर, प्रदेशों की सीमाओं को तोड़कर अच्छी बातों को देश भर के अंदर सर्वत्र फैलाना, और देश ने दुनिया भर के अंदर फैलाने का काम अच्छे से किया है। यह है सोशल मीडिया का रोल। आज भी देश के अंदर बहुत बड़ी ताकत है जो इस काम को तोड़ने के लिए लगती है। ले हम सारे लोगों ने मिलकर एक अच्छे कंटेंट के साथ योजनाबद्ध तरीके से इस गति को और अधिक बढ़ाना है। और इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्र के इस भाव को, इस एकात्मता को, इस सांस्कृतिक एकता को, इस विशिष्ट पहचान को बढ़ाने के लिए हम करते हैं, तो एक राष्ट्र के भाव को और अधिक पुष्ट करने में हम सहभागी हो जाएंगे। इसी शब्द को मोदी जी ने अपने शब्दों में कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसलिए हम सब मर्यादाओं से तोड़कर, सब मर्यादा यानी सब सीमाओं को तोड़कर, तमिल के महापुरुष हैं कि असम में जन्मे हैं, मणिपुर के हैं कि गुजरात के हैं, लेकिन राष्ट्र की एकात्मता के लिए काम किया है वो महापुरुष, उनके कहे हुए वाक्य, उनके पद, उनके जीवन की विशिष्टताएं हमारे जोड़ने वाले तत्व। मैं घंटों इस विषय पर आपके बीचों बोल सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा कारण से मैं छोटे संक्षेप में उदाहरण देकर आज इस विषय को आपके बीच में रखते हुए मैं समाप्त कर रहा हूं। हम सब इसमें सहभागी बने, सब सक्रिय बने। अभी भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस ताने वाने को तोड़ने में सक्रिय है, अभी वो इफेक्टिव भी है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। उनके इस माया जाल को, इस तंत्र जाल को तोड़ते हुए हम इस राष्ट्रभाव को पुष्ट करने में सहभागी बने। ये अपने देश के लिए, ये अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की सोशल हार्मनी के लिए और विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक करणीय काम है। हम इसमें सहभागी बनते हैं तो निश्चित रूप से हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देशभक्ति का उत्कृष्ट काम ही कर रहे हैं। इस श्रेष्ठ भाव से आप करें। अटल जी की पंक्तियां बोलते हुए अपना विषय समाप्त कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था, कभी थे अकेले, हुए आज इतने, तब ना डरे तो अब क्या डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। और इसलिए हम उन सब को परास्त करते हुए सफल हों, सक्रिय हों, इतना निवेदन करते हुए बात पूर्ण कर रहा हूँ। और मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा, इसलिए किसी को भी उठने की आवश्यकता नहीं है। और हितानंद जी, क्योंकि वो इस समय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उनसे भी क्षमा मांगते हुए, और उनके पूरे विषय को आप धैर्य के साथ सुनेंगे, मैं लौट कर दोबारा यहाँ पर आ रहा हूँ, तब हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।